हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल उत्कर्ष अपना में। आज हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस 2021 के बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाला है और उसके बाद बात करेंगे कि रिजल्ट डेट जो है कब तक आएगी, यानी कि आप लोगों का रिजल्ट कब तक दे सकता है बोर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हर एक बात आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बात बताई जाएगी, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल ही स्किप ना करें। ठीक है फ्रेंड्स, और जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन वायरल का। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों का जो माइंड में सवाल है ना, जो कन्फ्यूजन है, उसको हम दूर करना चाह रहे हैं। क्योंकि कैंडिडेट जो है, स्टूडेंट जो है, उनका माइंड से कन्फ्यूजन दूर ही नहीं हो रहा कि मैं फिजिकल बनाऊँ, मेरा रिजल्ट होगा या नहीं होगा, इसमें भरम में पड़े हुए हैं सब स्टूडेंट। तो इसलिए हमको ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो सबसे पहले फ्रेंड बता दें आप लोगों को कि जो क्वेश्चन वायरल हुआ था वो किस किस शिफ्ट में हुआ था। सबसे पहले ये बात आप लोग जान लेना है, तब आप लोग कट ऑफ का जो है अंदाजा आप लोगों को भी लग जाएगा कि कट ऑफ क्या जाने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन वायरल की। तो 14 मार्च की अगर बात करें तो 14 मार्च का जो है इनका फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन वायरल नहीं हुआ था, हल्का मतलब हुआ था, किसी भी कैंडिडेट को ही मिला था। और बात करें सेकेंड शिफ्ट की, तो 14 मार्च का जो सेकेंड शिफ्ट है फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था और लगभग स्टूडेंट को मिला था। भले ही वो अंदर जाकर कितना मार पाए, कितना अटेम्प्ट कर पाए, वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन क्वेश्चन वायरल सेकंड शिफ्ट में अच्छा खासा हुआ था 14 मार्च में। फिर बात करें 21 मार्च की, तो 21 मार्च की अगर बात करें ना फ्रेंड्स, तो 21 मार्च में फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन वायरल हुआ था और जम के हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन वायरल। और बात करें 21 मार्च की सेकेंड शिफ्ट की, तो सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन ना के ही बराबर वायरल हुआ था। जैसे कि यहाँ 14 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन वायरल नहीं हुआ था, वैसे ही यहाँ पे 21 मार्च के सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन वायरल नहीं हुआ था। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके हैं कि क्वेश्चन वायरल किस किस शिफ्ट में हुआ था। तो दो चारों शिफ्ट में क्वेश्चन वायरल नहीं हुआ था, दो शिफ्ट में ही मात्र क्वेश्चन वायरल हुआ था और अच्छा खासा क्वेश्चन वायरल हुआ था। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कट ऑफ क्या रहने वाला है। आगे बात करें कट ऑफ की, तो आप लोग चिंता ना करें और थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि इस बार बोर्ड क्या करती है फ्रेंड्स, कि बोर्ड कैंडिडेट जो उठाते हैं वो चारों शिफ्ट से नहीं उठाते हैं, बराबर चारों शिफ्ट से बराबर कैंडिडेट को नहीं उठाते हैं। जैसे कि इस बार जो है बिहार पुलिस एग्जाम में क्या हुआ है कि 14 मार्च के सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन वायरल हुआ है और 21 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन वायरल हुआ है। तो बोर्ड क्या करेगी कि बोर्ड जो है उनको कैंडिडेट से मतलब होता है और हाईएस्ट नंबर वाले से मतलब होता है, वो नहीं देखती है कि सेकंड से मतलब सेटिंग हुआ है, क्वेश्चन वायरल हुआ या नहीं हुआ है। तो बोर्ड क्या करेगी कि ये दोनों शिफ्ट से ही ज़्यादातर क्वेश्चन कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, और ये दो शिफ्ट जो बचा, फर्स्ट शिफ्ट और यहाँ का सेकेंड शिफ्ट, इससे बहुत कम ही स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, क्योंकि बोर्ड जो है वो सिर्फ नंबर देखता है, ना कि चारों शिफ्ट से बराबर कैंडिडेट को उठाते हैं। हालांकि बोर्ड को ये करना चाहिए कि वो चारों शिफ्ट से समान अनुपात से कैंडिडेट को उठाए। जैसे कि पहला शिफ्ट से मान के चलिए कि 10,000 स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, तो आपको दूसरा शिफ्ट से भी 10,000 सेलेक्ट करना चाहिए, तीसरा शिफ्ट से भी 10,000 और चौथा शिफ्ट से भी 10,000 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना चाहिए। लेकिन बोर्ड ऐसा नहीं करती है, ऐसा बोर्ड को करना चाहिए और बोर्ड नॉर्मल सेशन में नहीं करती है। तो इससे क्या होता है कि पढ़ने वाला स्टूडेंट मारा जाता है, पढ़ने वाला स्टूडेंट को बहुत कम रिजल्ट होता है। जो सेटिंग कर लेता है और जिसको क्वेश्चन मिल जाता है, अच्छा सेटिंग करके आ जाता है, वो रिजल्ट मतलब निकाल लेता है, कोई एग्जाम को निकाल लेता है और इसमें पढ़ने वाला स्टूडेंट मारा जाता है। तो आप लोग को पता चल गया कि किस शिफ्ट में क्वेश्चन वायरल हुआ और किस किस शिफ्ट से ज़्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट होने वाला है। फिर अब बात करेंगे हम लोग कट ऑफ की, ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद बात करेंगे कि रिजल्ट जो है कब तक आने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो जो मेल का अगर बात करें फ्रेंड्स, मेल जैसे कि जनरल, तो जनरल मैंने कटअप रखा है 70। अब मेरा हर एक वीडियो में कटअप यही कटअप है, तो स्टूडेंट का माइंड से डाउट क्लियर नहीं हो रहा है। इसी डाउट को क्लियर करने के लिए हमको वीडियो बार बार लाना पड़ रहा है ताकि स्टूडेंट समझ जाए और अपना फिजिकल की तैयारी करने लगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने यहाँ पर 70 रखा है जनरल का, तो हो सकता है कि 69 भी जाए, ऐसा नहीं कि 70 ही जाएगा, हो सकता है 69 से भी उठाए, 71 भी उठा सकता है, 72 से भी उठा सकता है। ठीक है, तो ये दो तीन नंबर आप लोग को हाथ में रखना है। तो जैसे कि किसी का 69 है, उसको भी घबराने की बात नहीं है, ठीक है, 69 है, 71 है, 72 है, मतलब इसमें ही उठाना है उनको जनरल का। ठीक है, हो सकता है 69 से उठा ले, 70 से उठा ले, 71 से उठा ले, 72 से उठा ले, इससे ज़्यादा जाएगा ही नहीं। किसी किसी यूट्यूबर का कहना क्या होता है कि वो 60 में ही जनरल का दे देता है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, 60 में उठाएगा ही नहीं। और रही बात किसी यूट्यूबर का बात है कि मतलब 75 जाएगा कटअप, 75 का मतलब क्या होता है कि 74 वाले को लेगा नहीं, ठीक है, 73 वाले को लेगा नहीं, 71 वाले को भी लेगा नहीं, तो ये भी गलत है। 75 ना ही 75 कटअप जाएगा, ना ही 60 तक आ सकता है जनरल का। तो जो कटअप है फ्रेंड्स, वो ये में जो कटअप है ये बिल्कुल सही कटअप है। तो अगर आप लोग का नंबर इतना आ रहा है तो आप लोग फिजिकल की तैयारी में अभी से लग जाइए, ये मेरा बार बार रिक्वेस्ट है और हर एक वीडियो मेरा यही रिक्वेस्ट रहता है कि आप लोग फिजिकल की तैयारी कीजिए अगर आप लोग का नंबर इतना आ रहा है। तो
एक दो नंबर इधर उधर आ रहा है, फिर भी आप लोग फिजिकल की तैयारी कीजिए। ऐसा मत सोचे कि लोग क्या कहेंगे अगर मेरा रिजल्ट नहीं बना और मैं अभी से फिजिकल की तैयारी कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपका रिजल्ट बन गया अभी आप लोग फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, फिजिकल गड़बड़ा गया, तब फिर आप क्या कीजिएगा बताइए? तब तो आप खुद रोइएगा ना, कि तब गाँव वाले आपके साथ रोएंगे, नहीं पड़ोसी रोएंगे, नहीं लोग रोएंगे। तो जो लोग सोचेंगे उनको सोचने दीजिए ना। अगर लोग जो सोच रहे हैं वो खुद ही आप सोचने लगेगा तो फिर लोग क्या सोचेंगे? तो आपको अपना काम करना है। जो मैं कटअप बता रहा हूँ, अगर आप लोगों का इतना नंबर आ रहा है तो आप लोग फिजिकल की तैयारी कीजिए अभी से, मेरा बार बार यही रिक्वेस्ट रह रहा है। तो चलिए कटअप को देख लेते हैं। तो बीसी का फ्रेंड 67 रहने वाला, यानी कि 66 में भी हो सकता है, 67 भी हो सकता है, 68 में भी हो सकता है कटअप, इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इससे कम भी नहीं आएगा, ठीक है। ईबीसी की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 65 कटअप है मेरा, यानी 64 भी जा सकता है, 65 है और 66 भी जा सकता है, इतना का बीच कटअप रहेगा ईबीसी की, ईडब्ल्यूएस का। और बात करें ईबीसी का, तो इनका कटअप 64 जैसे मैंने रखा है, तो 63 भी जा सकता है, जरूरी नहीं कि मतलब 64 ही जाएगा, 65 भी जा सकता है कटअप, ठीक है। तो इनके बीच रहेगा ईबीसी का कटअप। एससी का बात करें तो 55 54 भी जा सकता है, 56 भी जा सकता है, इनके अगल बगल में रहेगा, इससे ज़्यादा मतलब मार्जिन नहीं देखने को मिलेगा। और बात करें एसटी का, तो 53 यानी 52 भी जा सकता है, 54 भी जा सकता है, ठीक है। अब बात कर ले फीमेल की, तो इनका 64 रखा गया, यानी कि 63 भी जा सकता है, 65 भी जा सकता है, 62 भी जा सकता है फीमेल का, ठीक है। और बीसी की बात करें फीमेल की, तो 58 है, तो 57 भी जा सकता है, 59 भी जा सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात करें 55 रखा है, तो 54 भी जा सकता है, 56 भी जा सकता है, इसके बीच ही कटअप रहेगा। ईबीसी की अगर बात करें 53 रखा है, 52 भी जा सकता है, 54 भी जा सकता है, इतना के बीच ही रहेगा। फिर बात कर ले अगर एससी का, तो 47 रखा है, तो आप लोग जान लीजिए कि मतलब वही 46 भी जा सकता है और 48 भी जा सकता है। एसटी का अगर बात करें तो 45 रखा है, 44 भी जा सकता है, 46 भी जा सकता है, तो कटअप यही रहेगा। फ्रेंड्स, आप लोग देख लीजिएगा, रिजल्ट भी आएगा, ठीक है, तो आप लोग को पता भी चलेगा कि कटअप क्या जाने वाला है, उस टाइम आप लोग पता भी चलेगा कि हाँ कौन सा यूट्यूबर सटीक कटअप बताया था और कौन गलत कटअप दिया है, तो उस टाइम आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आप लोग को आप लोग रिप्ले कर सकते हैं हमको। तो फ्रेंड्स, मेरा फिर से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग का नंबर इतना आ रहा है तो आप लोग फिजिकल की तैयारी में अभी से जुड़ जाइए। एक नंबर इधर उधर मायने नहीं रखता है, हो सकता है एक नंबर घट जाए या फिर बढ़ जाए, ठीक है। तो आप लोग फिजिकल तैयारी में अभी से करना है, नहीं तो फिर अगर रिजल्ट बन भी जाता है तो फिर फिजिकल नहीं बना पाइएगा, क्योंकि 2 महीना ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना ही टाइम मिलेगा, मान के चलिए, नहीं तो 40 से 45 टाइम मिलेगा रिजल्ट देने के बाद फिजिकल के लिए, तो उतना दिन में फिजिकल नहीं बन पाता है, क्योंकि किसी का पैर दर्द होने लगता है या फिर जो है सांस कंट्रोल वगैरह बहुत कुछ होता है, तो फिजिकल नहीं बन पाता, फिजिकल उतना ईजी नहीं होता है, तो आप लोग फिजिकल अभी से बनाना होता है। एक ही उनका कमेंट था कि मैंने 1100 जो समथिंग यही था सीट था उनमें वो पास कर गया था, तो फिर फिजिकल में क्या हुआ, गड़बड़ा गया, जाके छट गया, तो उनका यहाँ तक कमेंट आ गया था कि सर मैं सुसाइड कर लूँगा अगर इस बार जो 8815 सीट में अगर नहीं होता है तो मैं सुसाइड कर लूँगा। तो मैंने उसे समझाया कि इस बार अभी से आप फिजिकल बनाइए, उसका नंबर भी ठीक ठाक आ रहा है, ईबीसी कैटेगरी से 68 आ रहा है, तो मैंने कहा हमको अभी से फिजिकल बनाए आपका हो जाएगा, और ये उल्टा सीधा मतलब स्टेप लेने से कुछ नहीं होता है, ये अगर इससे सॉरी समझ तो फिर सब सुसाइड ही कर लेता, तो मैंने उनको समझाया, उसके बाद वो एक्सेप्ट किया कि सर ठीक है सर मैं फिजिकल बना रहा हूँ, आप लोग प्रार्थना कीजिएगा। तो मैंने कहा कि हाँ समझाया उनको कि हाँ फिजिकल बनाइए, आपका रिजल्ट होगा इस बार भी। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर फिजिकल आ रहा है तो मेरा फिर से ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है फिजिकल की तैयारी कीजिए अगर इतना नंबर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट की, कि रिजल्ट कब तक आ सकती है बिहार पुलिस का। तो रिजल्ट की बात करें फ्रेंड्स, अभी जून महीना चल रहा है, ठीक है, जून चल रहा है मंथ में, तो रिजल्ट की जो संभावना है एग्जैक्ट फ्रेंड्स, तो जून का तीसरा सप्ताह या फिर इससे ज़्यादा अगर लेट होता है रिजल्ट का, तो जुलाई का आप लोग मान लीजिए कि जुलाई का फर्स्ट सप्ताह तक आप लोगों को रिजल्ट दे देगा बोर्ड के द्वारा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि रिजल्ट कब तक आने वाला है, जून के तीसरा सप्ताह या इससे ज़्यादा अगर लेट होता है तो जुलाई के प्रथम सप्ताह तक, तो यानी यहाँ रिजल्ट आना है, ठीक है। तो रिजल्ट आ ही जाएगा और रिजल्ट बनेगा भी आप लोगों का, तो फिजिकल का तैयारी अभी से आप लोग करते रहिए। और फ्रेंड्स बता दें कि अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि बिहार पुलिस संबंधित पल पल अपडेट आप लोगों को मिलता रहे, जैसे भी कोई नया नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करा दिया जाएगा, तो इसलिए इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बता दें अगर आप लोगों का किसी प्रकार का और कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई बिल्कुल मिलेगा, थोड़ा सा लेट हो सकता है लेकिन कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक